हेलो एस्पिरेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास विद अ वेरी गुड कोट ऑफ अब्राहम लिंकन, दैट इज आई वॉक स्लोली, आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड. समझ रहे हैं आप, ये अब्राहम लिंकन ने कहा है. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. इनका कहना था कि आई वॉक स्लोली, भले मैं ही धीरे चलता हूँ, बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड. सो गाइज, आपको भी धीरे चलना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, एक दिन आप पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे. दिस इज द जिस्ट ऑफ वॉट अब्राहम लिंकन वॉन्ट टू से इन दिस कोट, कि वॉक स्लोली बट डोंट वॉक बैकवर्ड. आप नेगेटिव सोच के पीछे ना जाइए कि नहीं हो पाएगा या कुछ नहीं होगा, ठीक है. सो लेट स्टार्ट द क्लास, टूडेज क्लास. टूडेज टॉपिक इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़. Today we will complete all the things regarding geological structure of Chhattisgarh. So before starting the class, I would like to deal with some of the important facts about rock, the type of rock, how rock are made, what are igneous, sedimentary and metamorphic rock. Rock Chhattisgarh GS ke andar nahi aata hai, but aap directly isko mug up karenge, so it will be tough. याद नहीं होगा आप लोगों को और इतना अच्छे से आपको कोई बताएगा भी नहीं. तो मैं आपको छोटे से पाँच मिनट लगेगा, पाँच मिनट में आप लोगों को रॉक सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है गाइस. सो ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर रॉक? रॉक क्या होते हैं? रॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रॉक क्या होते हैं, ठीक है. तो सर गाइज, रॉक आर एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मटेरियल. आप रॉक कभी आप जाइए और कहीं पत्थर जहाँ पे मुरुम वाला जगह होगा वहाँ आ जाके पत्थर उठाइए, आपको दिखेगा क्या, बहुत सारे रॉक का मिक्सचर है वो मिनरल रॉक, ठीक है. रॉक दो प्रकार के होते हैं, या तो वो हार्ड रॉक होगा या तो वो सॉफ्ट रॉक होगा, ठीक है. हार्ड रॉक आप लोगों ने देखा होगा, ग्रेनाइट बचपन में कभी खेलते हुए आप लोग रेती में जो सैंड होता है उसमें खेलते टाइम देखते थे, कुछ पत्थर मिलते थे जो कि बहुत सारे लेयर्ड रहते थे, एकदम कड़क पत्थर होते थे, वो ग्रेनाइट होते थे. चिकने पत्थर जो होते थे, एकदम चिकने पत्थर जिसको आप लोग एकदम देखते थे और बोलते थे कितना घर ले जाएंगे इसको. एंड सेकेंड वन इज सोप स्टोन, सॉफ्ट. ये जो लेयर होते थे ये सोप स्टोन होते थे, वो भी आपको मिलते रहे होंगे उसमें, ठीक है गाइस. ठीक, अब इसमें रॉक डोंट हैव एनी, देखिए रॉक मैंने बताया कि डिफरेंट मिनरल से मिलके बनता है, बट डेफिनेट कोई वो नहीं होता इसका कि प्रोपोर्शन नहीं है कि इतने ही प्रोपोर्शन, नो डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है. बट जनरली इट इज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट थिंग. ये सारे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है. लिख लीजिए, फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज का मिक्सचर जनरली होता है, जनरली होता है, और भी चीजें हो सकती हैं, बट ये जनरल, इन जनरल हम देखते हैं ये चीजें होती हैं, ठीक है. चलिए गाइस, फिर लेट्स स्टार्ट विथ थ्री. अब ये रॉक हम समझ लिए, तो रॉक कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं. रॉक कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने मेजरली पढ़ा होगा तीन प्रकार के रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है. ये तीन प्रकार के रॉक होते हैं. फर्दर ये इग्नियस रॉक कैसे बनता है, देखिए वोल्केनो होता है, वोल्केनो से क्या निकलता है लावा. ये ऐसा पूरा निकल जाता है. जब लावा बाहर निकलता है और इन कॉन्टेक्ट में आता है बाहर की ठंडी हवा से और एटमॉस्फियर से, तो ये जम जाता है. तो द फर्स्ट रॉक, द प्राइमरी रॉक इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक. सी, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा, ठीक है गाइस. अब इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट, ठीक है. फर्दर अब आपका जब इग्नियस रॉक बन गया है, तो विथ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन. वेदरिंग क्या होता है, देखिए अब ये रॉक बन गया, ठीक है, ये रॉक आपका बन गया, अब ये हवा चलेगा, यहाँ हवा चलेगा, रेती के साथ हवा चलेगा, धूल के साथ हवा चलेगा, तो ये यहाँ पे विथ टाइम, विथ मिलियंस ऑफ ईयर एंड बहुत धीरे धीरे इसको क्या करेगा, इरोड करता जाएगा, फ्रिक्शन से फ्रिक्शन वर्क करेगा, ये इरोड होगा. फिर ये रॉक कुछ साल बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ये रॉक कुछ साल बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ साल बाद फिर ये रॉक इतना सा बचेगा. तो दिस इज वॉट, अब ये जो उड़ेगा ये क्या होगा, बारीक सैंड टाइप मटेरियल उड़ते जाएगा आगे, और ये कहीं और जाके जमेगा धीरे 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 धीरे, और इसके बाद ड्यू टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, लिथिफाई हो जाएगा, और ये एक रॉक बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डिपोजिशन, ये हुआ ना, यहाँ से निकला और ये डिपोजिट हुआ यहाँ पे, डिपोजिट, ठीक है. और फ्रेगमेंट क्या हुआ, यहाँ से टूटा तो फ्रेगमेंट हुआ, फ्रेगमेंट, ठीक है, बाई
प्रोसेस क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दो प्रोसेस होते हैं एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। तो एंडोजेनस इनसाइड इटसेल्फ होता है, जैसे केमिकल वेदरिंग होगी, ठीक है, बट ये एक्सोजेनस मैंने बताया था कि एक्सोजेनस प्रोसेस इज व्हाट, फ्रॉम बाहर, ये हवा जो है बाहर से आ रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है, तो एक्सोजेनस प्रोसेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक इज सैंड, इज सोप स्टोन, सोप स्टोन। फर्दर द थर्ड टाइप ऑफ, अच्छा दिस रॉक इज कॉल्ड एज सेकेंडरी टाइप ऑफ रॉक, ठीक है, एंड फर्दर द थर्ड टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज मेड ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक, रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल शिष्ट, चलिए फर्दर हम लोग इसमें क्या होता है, देखिए अब ये सेडिमेंटरी रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक में जब प्रेशर पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब इन दोनों इस रॉक में, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, रिक्रिस्टलाइज हो रहा है वो, और कड़क होते जा रहा है और टफ होते जा रहा है, ठीक है। फर्दर चलिए आप लोगों को मैं ये तीनों की चीज़ों को एक ईजी एग्जाम्पल, एक मतलब डायग्राम से समझा देता हूँ, जो आप लोग कहीं भी मेंस में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल, ठीक है। चलिए दो मिनट में अपन खत्म करते हैं, फिर वी स्टार्ट विथ छत्तीसगढ़। इग्नियस रॉक किससे बनता है, सबसे पहला ये बनेगा आपका मैग्मा से और लावा, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठीक। फिर ये क्या होता है, मैंने बताया आपको, वेदरिंग और लिथिफिकेशन से, सेडिमेंटरी रॉक बताया मैंने, सेडिमेंटरी रॉक बनता है, नहीं पहले सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट बनेगा, मैंने बताया ना, बारीक बारीक जाके एक जगह पे ये यहां पे आके पहले गिरेंगे, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, ये कॉम्पैक्शन होगा इसमें और सीमेंटेशन होगा, कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्ट होगा, वो मैंने बताया ना, प्रेशर से और अनदर थिंग से, तब ये क्या है, दिस विल फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है, ये सेडिमेंटरी रॉक बन गया यहां पे। फर्दर विथ हीट प्रेशर, हीट एंड प्रेशर से मैंने बताया ना, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, तब क्या बन जाएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ये तीनों रॉक हो गए। फर्दर विद द मेल्टिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक क्या बन जाएगा, ये फिर से मैग्मा लावा बन जाएगा, तो ये विशियस साइकिल है, ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। फर्दर आप क्या देख सकते हैं, ये देखिए इग्नियस रॉक भी फिर मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, ये मैग्मा ही बन जाएगा, ठीक है। और सेडिमेंट्री फर्दर देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, इग्नियस रॉक जो है और सेडिमेंट्री रॉक दोनों में हीट और प्रेशर पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, ठीक है। तो यहां भी आप लिख सकते हैं हीट एंड प्रेशर डायरेक्टली फ्रॉम इग्नियस रॉक टू मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फर्दर मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये भी आपका टूट के क्या बन सकता है, वेदरिंग और ये क्या लिथिफिकेशन से सेडिमेंट बन सकता है, भाई रॉक बन गया, ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक पे कॉम्पैक्शन हुआ तो वो मेटामॉर्फिक बन गया, बट फिर हवा तो चल रहा है, फ्रिक्शन विल वर्क, तो फ्रिक्शन विल वर्क और फ्रिक्शन से फिर मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट बन सकता है, फिर द विशेष साइकिल, ये वाला एक साइकिल रेडी हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये तीनों के तीनों रॉक सिस्टम, रॉक बनता कैसे ये हम समझ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। दिस इज छत्तीसगढ़, मैंने आज मैप पहले से बना के रखा हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रॉक सिस्टम है सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपके पास है आर्कियन रॉक सिस्टम, मैं रॉक नहीं लिख रहा हूं, धारवाड़, फर्दर वी हैव कड़प्पा, फर्दर वी हैव विंध्यान, और हमारे पास क्या है गोंडवाना, इसमें भी दो है अपर एंड लोअर गोंडवाना, यहां लिख लीजिए गोंडवाना बस एक सिस्टम, अपर एंड लोअर मैं आपको बताऊंगा जरूर, एंड द लास्ट वन इज डेक्कन ट्रैप। नाउ वी विल डील विद दिस थिंग। चलिए पहले हम लोग मैप में ड्रॉ कर लेते हैं कहां पे क्या चीजें हैं, फिर अपन एक साथ लिखने चलेंगे क्या क्या कहां कहां पे है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल अपर एंड लोअर गोंडवाना कहां पे है। तो गाइस आप देखेंगे, चलिए राइट से बनाते हैं इसको, ये जो इलाका है आपका, चलिए दिस एरिया जो मैं अभी आपको ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही अलग अलग स्केच पेन या डिफरेंट डिफरेंट पेन से ही बनाइएगा,
इट विल बी वेरी यूजफुल गाइज, आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा बाद में आपके लिए, ठीक है। ये अभी समझ नहीं आएगा आपको, बट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। ये हो गया आपका, और सेकंड आई हैव टोल्ड यू लोअर गुणवाना, ये आपका लोअर गुणवाना है। ठीक है, तो लेट्स राइट, ये आपका अपर गुंडवाना, दिस इज लोअर गुंडवाना, ठीक है। फर्दर लेट्स ड्रॉ धारवाड़ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया अभी तक, अपर गुंडवाना है, लोअर गुंडवाना हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं धारवाड़। धारवाड़ कहाँ कहाँ पे है, ये मुंगेली से स्टार्ट होकर राजनांदगांव तक आएगा, माइकल रेंज में आपका सबसे पहले ये हो गया इलाका, ठीक। फर्दर ये बलौदा बाजार महासमुंद के पास में आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बालोद में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ जगहों पे कांकेर में मिलेगा। ये क्या है आप लोग अभी तक समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, इतना पढ़ने के बाद समझ आया। मैं कांकेर में कहीं पांच जगह बना रहा हूँ तो क्यों पांच जगह बना रहा हूँ आगे आप लोग को बताएंगे। फर्दर ये आपको दंतेवाड़ा में, जहां जहां पे मैं बना रहा हूँ यहाँ क्या मिलता है गाइस, इतना पढ़ा है हमने, बताइए सब जगहों में क्या मिलता है कमेंट में, ठीक है। फिर हम लोग अभी बताऊंगा मैं आपको आगे जब नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा। तो ये आपका कौन सा हो गया धारवाड़, ये मैं आप लिख ये भी कर देता हूँ, ठीक है। ये धारवाड़, ठीक है, ब्लू से, और क्या बनाया था मैंने रेड और येल्लो से ना, तो ये गुणवाना रेड अपर में कर दीजिए, अपर में रेड हो गया, और ये येल्लो मैंने बनाया था लोअर गुणवाना, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे बनाते भी जा रहा हूँ साइड में, ठीक है, मैप को, मैप में क्या क्या मैंने ड्रॉ किया है। फर्दर वी विल ड्रॉ कड़प्पा, कड़प्पन कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स टेक ग्रीन कड़प्पा के लिए, ये आपका बिलासपुर का इलाका पूरा, हाफ ऑफ द कोरबा विथ सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ रायगढ़, ठीक है, एंड द होल ऑफ द बेमेतरा इंक्लूडिंग थोड़ा सा मुंगेली, दुर्ग एंड रायपुर। चलिए ये आपका क्या हो गया, ग्रीन वाला जो इलाका है, ग्रीन किस में मैंने बताया आपको, कड़प्पा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, कड़प्पा। फर्दर वी अपर गुणवाना देख लिया हमने, लोअर गुणवाना देख लिया, धारवाड़ देख लिया हम लोगों ने, धारवाड़ देख लिया हम लोगों ने, कड़प्पा देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा डेक्कन ट्रैप, वी हैव टू सी डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप को किससे बनाया जाए, कलर चूज करना पड़ेगा, लेट्स चूज दिस वन, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप पूरा आपका यहाँ बलरामपुर वाले इलाके में पड़ता है। ये देखिए ये इलाका दिख रहा है आप लोगों को, ये बलरामपुर का इलाका, थोड़ा सा सरगुजा के साथ साथ जसपुर का इलाका पूरा, ठीक है, ठीक। ये जो इलाका यहाँ पे क्या हो गया आपका, डेक्कन ट्रैप, देखिए ये हो गया। अब क्या बचा आपका, विंध्याचल का तो बहुत छोटे से पार्ट है, मैं उसको आपको अलग से बताऊंगा, और जितना भी आपका बचा हुआ इलाका दिख रहा है दैट इज ऑल आर्कियन। वैसे पूरे छत्तीसगढ़ के हर जगह पे मिलेगा, स्पेसिफिकली जो बचा हुआ इलाका है वहां सिर्फ आर्कियन ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जो व्हाइट पे दिख रहा है ना, ये व्हाइट पूरा दैट इज आर्कियन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड राइट अबाउट डिफरेंट प्लेसेस। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा रॉक सिस्टम देख लेते हैं, आर्कियन रॉक, ठीक है। आर्कियन रॉक देखिए अपन, अब ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ लावा, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ लावा। सो ये इग्नियस हो गया, इग्नियस इट इज द मोस्ट एंशियंट रॉक ऑफ वर्ल्ड, इसको सबसे एंशियंट रॉक बोला जाता है आर्कियन रॉक को, आर्कियन रॉक को, ठीक है। अब इसमें देखिए एंशियंट रॉक है सबसे, ये इग्नियस रॉक से बनता है, डायरेक्ट मोल्टन लावा से बनता है, तो फॉसिल फ्यूल तो होगा नहीं इसमें, नो फॉसिल फाउंड देन, फॉसिल फाउंड, ठीक है। फर्दर इट इज फाउंड वेरी डीप इन अर्थ, अब किससे बन रहा है मैं बता रहा हूं, जब आपको लावा से, तो लावा कहां से निकलता है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, वेरी डीप इन अर्थ, देयरफोर इट कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड, इट कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड ईजली, किया जा सकता है बट ईजली नहीं किया जा सकता है। बट अब लावा ही तो पूरा जो कोर के बाद जो आपका इलाका है, मैग्मा और लावा ही तो भरा पड़ा है, तो इट विल बी मैक्सिमम ऑन अर्थ, होगा तो ये मैक्सिमम ही ना, भले ही अपर सरफेस पे ऑफ अर्थ नहीं दिख रहा है बट लोअर सरफेस में तो इट विल बी इन अ वेरी अबंडेंट। अब एक्सटेंशन कहां से कहां है, इट इज हैविंग एक्सटेंशन ऑन होल ऑफ द छत्तीसगढ़, होल ऑफ छत्तीसगढ़,
50% ऑफ द रॉक सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, 50% ऑफ रॉक ऑफ छत्तीसगढ़ आर आर्कियन। याद रखिए आप, सबसे ज्यादा जो सिस्टम है छत्तीसगढ़ में वो आर्कियन है, इसीलिए आपको यहाँ क्या मिलता है, आयरन, और सबसे ज्यादा मिलता है आर्कियन रॉक। ठीक है, फर्दर वेयर द प्लेसेस वेयर वी फाउंड आर्कियन रॉक, कहाँ कहाँ मिलता है हम लोगों को ये आर्कियन रॉक, तो लिख लीजिए सरगुजा बेसिन। क्वेश्चन में सब पूछता है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, सरगुजा बेसिन पार्ट इलाका, जो प्लेट्यू इलाका है वो इलाके पे मिलता है आपको। फर्दर ये महानदी बेसिन में मिलता है एंड ऑल्सो इन दंडकारण्य इलाका, दंडकारण्य प्लेट्यू। ठीक है, फर्दर लेट्स डील विद द सेकेंड रॉक सिस्टम, सेकेंड रॉक सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, हाउ इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इरोजन ऑफ नेसी एंड चिस्ट ऑफ आर्कियन रॉक। जो आर्कियन रॉक बनता है, आर्कियन रॉक जो है वो मोल्टन लावा से क्या बनता है, नेसी एंड चिस्ट बनता है, उसके इरोजन से जो चीज बनती है, तो इट इज कॉल्ड एज धारवाड़। एंड ये जो है सेडिमेंट्री रॉक टाइप है, इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ अर्थ इन सेडिमेंट्री फॉर्म। जो आर्कियन है वो सीधा मैग्मा से बना, मैग्मा से बन के क्या बनता है, चिस्ट एंड नेस ही बनता है, नेस और चिस्ट और नेस जो है वो इरोड होता है तो वो क्या बनता है, धारवाड़ रॉक। और वही धारवाड़ रॉक को हम लोग पढ़ते हैं। अब धारवाड़ रॉक का नाम कहाँ से धारवाड़ पड़ा, वो पहली बार कर्नाटका में फाउंड किया गया था, मतलब पता किया गया था कि धारवाड़ रॉक सिस्टम किससे बना है, कैसे बना है, तो दैट्स वाई अ प्लेस इज धारवाड़ इज इन सिचुएटेड इन कर्नाटका, उसके ऊपर ये नाम पड़ा है धारवाड़। ठीक है, फर्दर लेट्स राइट फॉर्मेशन कैसे बना इसका, फॉर्मेशन by the product of erosion of gneiss and schist of Archean rock। ठीक है, it is oldest rock of earth sedimentary form, oldest rock of earth sedimentary rock। ठीक है, oldest sedimentary rock of earth। Further, it has been named due to Karnataka, मैं बता दिया ये चीज़ आपको। economic importance क्या है इसका, economic importance, iron ore और tin ore आपको दिखता है जो छत्तीसगढ़ में सब धारवाड़ रीजन में मिलेगा आपको। ठीक है, further extension कहाँ कहाँ है इसका देखते हैं, extension in छत्तीसगढ़। तो मैंने ये देखिए धारवाड़ यहाँ यहाँ बनाया है, धारवाड़ कहाँ कहाँ बनाया है मैंने, देखिए ये जहाँ ब्लू 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 दिख रहा है सब जगह, आपको मैंने पूछा था ना क्या है वहाँ इंपॉर्टेंस, तो यहाँ आपको सब जगह टिन या तो फिर आपको क्या मिलता है, ये देखिए हाहा लद्दी आरी डोंगरी सब दिख रहा है आपको कांकेर में, फिर ये आपको दल्ली राजरा दिख रहा है, तो दंतेवाड़ा में दिख रहा है आपको, ये सारी जगह है जहाँ पे आपको आयरन ओर और टिन ओर मिलते हैं। ठीक है, तो फर्दर लेट्स राइट द एक्सटेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन चिल्फी घाटी, सिचुएटेड एट माइकल रेंज, places including Rajnangaon and Khairagarh, Chui Khadan, Gandai, also having Kabir Dham, pura Maikal range hai yaar, and Mungeli se aata hai na pura ye Rajnangaon tak, to wahi hai ye, theek hai, Chilfi Ghati wala ilaka jo bolte hain। Further second is Sona Khan series, this is Chilfi series, then another is Sona Khan series, theek hai, Sona Khan kahan padta hai, Baloda Bazar एंड महासमुंद इज इनसाइड, ये देखिए मैंने बनाया ना यहाँ पे, देखिए ये है ना, ये बलौदा बाजार और ये आपका क्या, आपका महासमुंद, तो वही है। देखिए इसीलिए ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ याद ना आए ड्राइंग भी याद आ जाएगी, आपको मैप याद आ जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है आप लोगों को ये भी लिख लेते हैं, चलिए भानुप्रतापपुर में जो आपको कांकेर में कहाँ कहाँ मिलता है, आरी डोंगरी। Why I am writing again and again? Because this will ये revision हो जाएगा आपका, हा लद्दी। Further we have मेट बोदली, बोदली एंड वॉट वी हैव द लास्ट वन, चारगांव फर्दर वी हैव रावघाट। ठीक है, फिर नारायणपुर में आपके पास छोटे डोंगर है, फर्दर वी हैव दंतेवाड़ा में कहाँ है आपका, बेलाडीला। ठीक है, हिल्स। ठीक है,
फर्दर बालोद में दल्ली राजरा जहां से पहले आता था, बालोद में कहां है, दल्ली। तो ये सारी जगह हम लोग धारवाड़ रॉक सिस्टम से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्दर वी विल गो टुवर्ड्स द फोर्थ थर्ड रॉक सिस्टम, दैट इज कडप्पा रॉक सिस्टम, थर्ड रॉक सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज कडप्पा रॉक ग्रुप, ठीक है। ये कडप्पा रॉक कैसे मिला, जैसे कि मैंने बताया धारवाड़ कर्नाटका से मिला है, वैसे ही कडप्पा जो है वो आंध्र प्रदेश में यहां पहली बार खोजा गया आंध्र प्रदेश में, दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन एज कडप्पा रॉक सिस्टम। कडप्पा रॉक फॉर्म कैसे होता है, बाय इरोजन ऑफ ग्रेनाइट रॉक, ठीक है, लिख लीजिए फॉर्मेशन, लिख लीजिए कडप्पा रॉक आर फॉर्म्ड बाय इरोजन ऑफ ग्रेनाइट रॉक, ठीक है, ग्रेनाइट रॉक। फर्दर इसका एक्सटेंशन कहां है, एक्सटेंशन दंडकारण्य एंड महानदी बेसिन। कडप्पा रॉक में आपको क्या मिलता है, लाइमस्टोन डोलोमाइट, ये सब दो, ये लाइमस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका है, सीमेंट के लिए, सीमेंट कहां कहां बनता है ऐसे ही रिलेट करके याद करना है, दुर्ग, रायपुर, बालोदा बाजार, जांजगीर चांपा, यहां यहां मिलता है आपको, यही है तरीका गाइस, ऐसे हर चीज आप मगअप नहीं कर पाएंगे। दंडकारण्य एंड महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। मिनरल कौन कौन से मिलते हैं, लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट, ये लाइम स्टोन से सीमेंट बनता है, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिए कहां कहां पे है, फिर रायपुर सीरीज में क्या क्या है, सबसे पहले रायपुर पड़ता है वहां, यहाँ कौन कौन सी फैक्ट्री, चलिए रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार फैक्ट्री भी, कहाँ कहाँ है और क्या क्या है, सीसीआई है, मांधर, सेंचुरी सीमेंट है, बैकुंठपुर, ठीक है, और जेके सीमेंट है, टिल्डा। तो याद रखना है आप लोगों को, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सेंचुरी सीमेंट, बैकुंठपुर, ये सारे बैकुंठपुर, टिल्डा, सब क्या इलाके हैं रायपुर के, कमेंट करिए। बड़ौदा बाजार में सबसे ज्यादा फैक्ट्री है लफार्ज, श्री, जितने सीमेंट पता है लिख दो यार, अंबुजा, एवरी सीमेंट फैक्ट्री इज देयर, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, इमामी, और भी होंगे, इतने तो मेरे को पता है, ठीक है। फर्दर इन बेमेतरा ऑल्सो द सीरीज इज देयर बेमेतरा, मगर यहां कोई एक फैक्ट्री हमारे पास है नहीं। फर्दर द चंद्रपुर सीरीज, चंद्रपुर कहां है, कौन सा टेम्पल इंपॉर्टेंट है, जांजगीर चांपा एंड रायगढ़, चंद्रहासनी टेम्पल है वहां, नाथलदाई टेम्पल, चंद्रहासनी टेम्पल, यस। फर्दर थर्ड वन इज नॉर्थ कांकेर, ठीक है, तो हमने कर लिया। अच्छा आपको पता होना चाहिए 17-20% ऑफ सीमेंट ऑफ इंडिया इज सप्लाइड फ्रॉम छत्तीसगढ़, सोचिए कितना बड़ा हमारे पास सीमेंट का छत्तीसगढ़ के पास ये मतलब वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीज, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से जब पढ़ेंगे। तो विंध्यन रॉक, द नेक्स्ट सिस्टम इज विंध्यन रॉक सिस्टम, मैंने इसलिए नहीं बनाया उसको मैप में क्योंकि बहुत छोटी सी जगह पे मिलता है तो क्या ही बताता मैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन वेरी लेस क्वांटिटी, ठीक है, वेरी लेस क्वांटिटी, कहां मिलता है, चिल्फी वैली में, ठीक है गाइस। यहां मिनरल क्या मिलता है, सैंडस्टोन, ठीक है। अपर विंध्य, देखिए अब विंध्यन भी जो है ना, आप कहीं इंडिया के लेवल पे पढ़ेंगे रॉक सिस्टम तो आपको समझ आएगा कि विंध्यन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज ऑन अपर विंध्यन एंड लोअर विंध्यन, ठीक है, लोअर विंध्यन रॉक सिस्टम। तो अपर विंध्यन इज नॉट अवेलेबल इन छत्तीसगढ़, अपर विंध्यन, लोअर विंध्यन, लोअर विंध्यन इज यस यस, लोअर विंध्यन जो है वो अवेलेबल है, ये लिख लीजिए अलग से, क्वेश्चन ये पूछ देता है, ठीक है। कहाँ अवेलेबल है विंध्यन, विंध्यन कहाँ है, विंध्या आपको पता होना चाहिए ये भी, चलिए नर्मदा होती है ना, नर्मदा इज अ रिवर, द बिगेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, टाड़ा जिसमें आके जुड़ती है और बंजार जिसमें आके जुड़ती है, बंजार इज द बिगेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये मैं रिविजन करा दे रहा हूँ बस, नर्मदा, तो यहाँ सतपुरा हिल्स, इट इज फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली एंड बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यन, ठीक है,
ये विंध्यन है, यही इसी की बात हो रही है, अपर विंध्यन है लोअर विंध्यन, इसी में यहाँ पे कैमूर हिल है, कैमूर हिल जहाँ पे ये पड़ता है आपका चिल्फी घाटी। देखिए इतना डीप में मैंने बता दिया आपको और रिविजन भी हो गया। फर्दर द लास्ट सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, लास्ट रॉक सिस्टम जो छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट करता है दैट इज गोंडवाना, नहीं दो बचा है, एक दो बचा है अभी और, एक गोंडवाना, चलिए गोंडवाना फोर्थ वन, गोंडवाना डेक्कन ट्रैप भी तो बचा होगा, गोंडवाना रॉक। तो दिस इज द फर्स्ट फॉसिल कंटेनिंग रॉक सीरीज, ये पहला फॉसिल, अभी तक तीन जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें किसी में फॉसिल आपको बात हुई थी, नहीं हुई थी, ये सारे ओल्ड रॉक सिस्टम्स हैं, ठीक है। अब दिस इज द गोंडवाना इज द फर्स्ट फॉसिल, फॉसिल फॉसिल आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉसिल जहां मिलेगा आपको वहां क्या मिलेगा, कोल मिलेगा, कोल इज मेड फ्रॉम फॉसिल ना, बोलते हैं ना डेड प्लांट्स एनिमल, यही जब लॉन्ग टर्म तक जमीन में दबे होते हैं विद प्रेशर टेम्परेचर आपका ये टाइम से चेंज होके कोल बनते हैं, ग्रेनाइट बनते हैं, डायमंड बनते हैं, यही बनता है ना, तो इट इज द फर्स्ट फॉसिल कंटेनिंग रॉक। तो इसी रॉक में आपको क्या मिलेगा, जहां जहां कोयला मिलता है छत्तीसगढ़ में सब जगह क्या सिस्टम होगा, गोंडवाना रॉक सिस्टम होगा, बाय रिमेन ऑफ वेजिटेशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन, गाइस मैं आपको समझा भी सकता हूं, मैं इतना पेन लिख रहा हूं तो आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लिखिए यार, लिखेंगे तो आप लोगों को नोट्स रेडी रहेगा। सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर फ्रॉम सेंचुरीज, काफी सालों से जो धीरे 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 जो बन रहा है, भरता जाता है फॉसिल, उसी से आपका फिर बनता है क्या, मिनरल जो कि है कोल, 17% ऑफ दैट इज हियर, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे फैला हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दो जगह, तो यहां पे वेस्टर्न बघेलखंड एंड सरगुजा बेसिन, वेस्टर्न बघेलखंड एंड सरगुजा बेसिन। अब फर्दर इसमें आप और कहीं सब डिविजन करेंगे तो ये अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना में क्या हो गया, वेस्ट बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, इसमें कहां क्या आएगा, जनकपुर, और आप ब्लॉक भी लिख लीजिए, चलिए जनकपुर आ जाएगा, मनेंद्रगढ़ आ जाएगा, प्रतापपुर आएगा, सूरजपुर आएगा, ठीक है। कहीं डीप में पूछ दिया तो छत्तीसगढ़ पीसीएस अभी अच्छा अंदर जा रहा है, बहुत डीप पे जा रहा है, ठीक है। फर्दर ये हो गया आपका मिडिल गोंडवाना महानदी घाटी में, आप सब जिसको भी क्लासेस पसंद आ रही है आज इस क्लास में, मैं देखना चाहता हूं 23rd 24th क्लास हो गई है, आप कमेंट करेंगे पसंद आ रही कि नहीं, लाइक बस नहीं, आज कमेंट करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। लोअर गोंडवाना ये आपका हसदेव रायपुर बेसिन में पड़ेगा, दैट इज सदन महेंद्रगढ़, ठीक है, चिरमिरी, सदन कटघोरा, छुरी उदयपुर, रायगढ़ एंड धर्मजयगढ़। फर्दर द नेक्स्ट रॉक सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ इज डेकन, पांचवा जो पढ़ेंगे हम, डेकन ट्रैप, डेकन ट्रैप नाम से समझ आ रहा है कुछ ट्रैप्ड है ये, ऐसा क्या समझ आ रहा है आपको, इट इज फॉर्म्ड बाय द बसाल्ट फील्ड लावा ऑफ रिफ्ट वोल्केनो, ठीक है। ये क्या होता है, जब वोल्केनो होते हैं वो जो, जैसे वोल्केनो कौन से कलर का होता है, वोल्केनो से जब पत्थर सूखता है तो आप देखेंगे डिस्कवरी में ब्लैक होता है, इट इज ब्लैक इन कलर। अब जब उसका सेडिमेंटेशन होता है, उसका सेडिमेंट निकलता है, उसका सेडिमेंट ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर विंड वेदरिंग प्रोसेस से निकलता है, तब वो जाके जहां पे इकट्ठा होता है दैट विल बी कलर, जो कलर होगा उसका वो ब्लैक होगा, और दैट रॉक इज कॉल्ड एज डेकन ट्रैप रॉक, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉर्मेशन लिखिए, बाय द बसाल्ट फिल्ड लावा ऑफ रिफ्ट वोल्केनो, ठीक है। एक्सटेंशन कहां कहां है इसका, जहां जहां वोल्केनो एग्जिस्ट किया रहा होगा, पार्टी पूरा प्लेट्यू जो इलाका है, प्लेट्यू इलाका जो है दैट इज जामीर, जारंग, कौन कौन सा प्लेट्यू है, लहसुन, सामरी,
जसपुर एंड मैन पार्ट प्लेट्यू, इन सब इलाकों में आपका मिलता है डेक्कन ट्रैप, ठीक है। अच्छा ये आपका कंप्लीट हो गया, फिर पूरा का पूरा सारे रॉक सिस्टम। सो गाइस वी हैव डेल्ट विद ऑल द टाइप ऑफ रॉक। देखिए मैंने जो पढ़ाया वो सब आपको यहाँ दिख रहा है मैप में, क्या क्या मैंने स्टार्टिंग में मैप बनाया ना, हमने धारवाड़ की बात की, धारवाड़ देखिए यहाँ दिख रहा है आपको चिल्फी घाटी के पास, यहाँ दिख रहा है इस जगह पे दिख रहा है जहाँ आप लोगों को कांकेर में मिलता है, यही था आपका आरी डोंगरी, हा लद्दी, ठीक है, मेटबोदली और ये रावघाट, ये चारों जगह आपको यहाँ दिख गया। फर्दर ये महासमुंद और आपका बलौदा बाजार वाले इलाके में मिलता है जहाँ पे आपका बहुत सारे फैक्ट्री है, लाइम स्टोन मिलता है। फर्दर डेक्कन ट्रैप मैंने बताया आपको कहाँ, ये सारे पार्ट इलाके जो है इस पार्ट इलाकों में सब जगह मिलता है डेक्कन ट्रैप। फर्दर गोंडवाना आई टोल्ड यू कि अपर गोंडवाना जो है आपका ये ऊपर वाले इलाके में, लोअर गोंडवाना जो है नीचे वाले इलाके में मिलता है, ठीक है। विंध्यन हिमांचल, विंध्यन रेंज हमने देखा कि बड़ा छोटा सा पार्ट है, माइकल यहीं कहीं बीच में पड़ता है, ये कैमूर पर्वत जो मैंने देखा ना आपको बताया, और आर्कियन जो है ये पूरा, आप आर्कियन चाहें तो पूरे में भी बना सकते हैं, बट ये 50% हम मानते हैं, 50% में हर जगह छोटे छोटे पार्ट में आर्कियन रॉक सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, डू शेयर, सब्सक्राइब।